हेलो हेलो हेलो, राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन इन चाइना में। मैं आपका भाई, अपना भाई, योगा टीचर रवि भारद्वाज 7 सालों से चाइना में रहता हूं, यहां से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। पिछली वीडियो में जो है मैंने बताया था कि मेरे पड़ोसियों के साथ जो है बहुत बड़ा एक कांड हो गया है, ठीक है। काफ़ी दिनों से वो घर के अंदर बंद है, पूरी फैमिली उनकी। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चाइना में ऐसे सीन हो जाते हैं भाई। तो अभी मैं पहले चाय बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो आ जाओ भाई, चाय बना रहा हूँ, एकदम कड़क मसाले वाली चाय बनाता हूँ। कभी अगर इंडिया आऊंगा ना भाई, इतनी कड़क चाय बना के आपको पिलाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिमाचल में, पहाड़ों में, ठंडी वादियों में, हरियालियों में हम जो है बाहर बर्तन रख के चाय बना के पियेंगे, पहाड़ों पे जाके, ठीक है जी। रेडी रहो, रेडी। हाँ, आ रहे इंडिया हम। हमारे पड़ोसियों के साथ क्या सीन हुआ है, क्या रीजन है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं चाय बना लेता हूँ। आदव भाई, आदव, चाय पी लो। कौन कौन चाय पीने का शौकीन है? और एक दिन में आप कितनी कप चाय पी लेते हो कमेंट में लिख के जरूर बताना। मैं एक दिन में तो नहीं यार, 2-4 दिन में एक बार बना के आराम से पी लेता हूँ। वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। बात भी सही है भाई, ये तो होती है दोनों चीजें, है ना, आपको भी पता ही है। और अब बताता हूँ मैं अपने पड़ोसियों की स्टोरी, ठीक है। उनका घर भी दिखाता हूँ पड़ोसियों में। तो सबसे पहले तो मुझे चाबी ढूंढनी पड़ेगी। हमने लॉक लगा के रखा होता है ना रात को, क्योंकि अमन छोटा है, अभी गेट ओपन कर लेता है तो दिक्कत हो सकती है कभी कभी, क्योंकि घर के पास में लिफ्ट है। अमन कांड कर गया भाई, जहाँ पे वो चाबी लगती है ना उसके अंदर लकड़ी घुसा के चला गया है। अब पता नहीं ये खुलेगा। खुल गया। बड़े पंगे करता है भाई, 2 साल का होने वाला है अमन, और घर के कहीं भी छेद दिखते ना वहाँ पे लकड़ी डाल देता है, कुछ घुसा देता है। तो ये देखो हमारे ये पड़ोसी का घर है ये साइड में, लेकिन आज तक कभी इनसे बात नहीं हुई। विदेशों में ऐसी बातचीत नहीं होती, इतने पास में, देखो इतने तो गाँव में भी इतने पास में पड़ोसी नहीं होता है, ठीक है, दरवाजे के साथ दरवाजा। लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो लोग कर रहे हैं, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कोई बातचीत ही नहीं होती है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। और यहीं पे देखो भाई, ये लिफ्ट है, ठीक है, इसी लिफ्ट से हमारी फैमिली भी आती है, इसी लिफ्ट लिफ्ट से इनकी फैमिली भी आती है। देखो यहाँ पे ये घर है इतने पास में। और शाम को देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारी और इस पड़ोसी का जो है ना कूड़ा कचरा यहाँ पे रखा रहता है, ये हमारा कूड़ा रहेगा, रात को यहाँ रख देते घर से बाहर, और ये लोग अपना यहाँ पे रखते हैं, और सुबह उठते ही अपना अपना कूड़ा इसी लिफ्ट से लेके नीचे ले जाते हैं, और जो है अपना डस्टबिन में नीचे जो गार्बेज बॉक्स है उसमें फेंकते हैं। तो इनके घर में क्या सीन हुआ था बताता हूँ। वो पट्टी निकाल दी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आके। सो गाइस, मैं जल्दी सी वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज कोई निकल के बाहर आ गया तो ऐसे ही बोल देगा कुछ, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई है, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी। ये तो खैर इनके घर का पानी का बिल आया, पानी और बिजली का बिल, तो ऐसे चिपका के जाते हैं। ये पट्टी देखो इन्होंने निकाल दी है, ठीक है। वो क्यों लगी थी मैं बताता हूँ आपको। इसको सील बोलते हैं, जैसे सील कर दिया घर, इनका घर सील कर दिया था भाई यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने। चाइना में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सेफ्टी के पर्पस के लिए अगर किसी को कोरोना है, ठीक है, या फिर ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है जहाँ कोरोना था उस सिटी से आया है, तो उसको 1 हफ्ता के लिए क्वारंटाइन करना। तो ऐसे करते हैं कि भैया अपना खाना पीना उठाओ और घर के अंदर बंद हो जाओ। अब लोग तो ऐसे होशियार होते हैं, है ना, होशियार होते हैं कि आराम से बोला यार गवर्नमेंट कौन देख रहा है ना, बाहर से जाके अंदर से दरवाज़ा खोल के फिर से बाहर घूम के आ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, गवर्नमेंट आके आपके घर के ऊपर ना एक पट्टी लगा देती है चिप टाइप की, अगर अंदर से आपने दरवाज़ा खोला तो वो फट जाएगी, अगर फट गई तो भैया वो बंदे आके आपको दूसरे दिन चौथे दिन पकड़ लेंगे कि भैया बाहर कहाँ गया था। अगर तेरी वजह से अगर कोरोना कोई सोसाइटी में फैला है, कुछ भी हुआ है दूसरे लोगों तक फैला है, या इनकी वजह से हमारी फैमिली में कोरोना आ गया है, तो फिर इनके ऊपर जो है दबा के कार्रवाई होगी कि आपने जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कोऑपरेट नहीं किया। तो इस पर्पज़ से 1 हफ्ते तक मैंने देखा वो पट्टी लगी हुई थी, आज देखा वो पट्टी निकली हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोगों ने देखा कि 7-8 दिन तक हो गए हैं कोरोना टाइम इसको, तो कोई इसको कुछ हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कोरोना नहीं है इनको, तो वही है 7-8 दिन तक तो क्वारंटाइन करते ही हैं भाई। चाइना में बिजली पानी का बिल भी एक साथ ही आ जाता है। तो ये तो खैर मैं अपनी फ़ोटो इसकी लेके कंपनी को भेज देता हूँ, कंपनी खुद पेमेंट करती है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हो, जैसे फ़ोन में पैसे डलवाते थे ना पहले हम 200-400-500 रुपये, है ना, तो अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो वैसे एडवांस में भी डाल सकते हो। शायद हमारा ख़त्म हो गया इसलिए घर पर आ गया बिल, अदरवाइज़ घर पर आता नहीं है।
तो हमारी बॉस जो है 2-4-5 हज़ार रुपये एडवांस में डाल के रखती है। तो एक महीने का जो बिजली का बिल आया ना हमारा, तो 161 युआन, मतलब यही अपना 1600-1700 रुपये के पास में आ गया। तो बिजली 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 सस्ती है यार यहाँ पे, बिजली महंगी नहीं है, बिजली पानी काफ़ी सस्ता है चाइना में। लेकिन यार घर का रेंट बहुत महंगा है, और बाकी जो है सब्जियाँ, नॉर्थ चाइना में सब्जियाँ बहुत महंगी है, सब्जियाँ नहीं और भी खाने पीने की चीज़ें महंगी, क्योंकि यहाँ पे अपना खुद का कुछ उगता नहीं है। उगता तो है, राइस उगते हैं यहाँ पे, चावल यहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे, मीट सस्ता मिल जाएगा, सब्जियाँ महंगी, सब्जियाँ जो भी हैं वो बहुत महंगी मिलती है यार यहाँ पे, सब्जियाँ कम उगती है ना यहाँ पे। इस वजह से चाय बन गई एकदम कड़क वाली चाय। वैसे तो मैं बहुत कम पीता हूँ, ठीक है, जैसे एक हफ्ते में एक दो बार बना लेता हूँ, इतना टाइम होता नहीं है यार, क्योंकि योगा टीचर हूँ, सुबह सुबह टाइम होता है योगा क्लासेस का, तो टाइम होता नहीं है। तो एक हफ्ते में एक आधी दो बार चाय पी लेता हूँ, रोज वैसे पीनी नहीं चाहिए, सेहत के लिए कोई इसका खास बेनिफिट नहीं है। और ये राजमा पड़े हैं, कल रात को योगिता ने बनाए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव चलाया था जब हम लोग राजमा बना खा रहे थे, तो कुछ लोग लिख रहे थे कि रवि भाई योगिता को भी टेस्ट कराओ, उनको लग रहा है कि टेस्ट करवाना है। भैया उसने बना के खा के टप करके बैठी थी वहां पे, अमन को संभाल रही थी और मेरे लिए भी तैयार रखा था, वो इसको टेस्ट क्या कराना। बहुत सारी इंडियन दालें हैं, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, राजमा की दाल है, वो खुद बना लेती है, बैंगन की सब्जी, आलू की सब्जी, और उसको वो खाती भी है। योगिता सिर्फ एक चीज का ध्यान रखती है कि उसमें मसाले जब वो बनाती है तो मसाले ज्यादा नहीं डालती, हम लोग होते हैं इंडियन तेल भी ठोक के डाल दिया, मसाले भी ठोक के डाल दिया, तो चाइना वाले लोग ज्यादा मसाले मसाले का पसंद नहीं करते, तो इसलिए इसने जो है फिर वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है, तो इंडियन फूड बन जाता है, लेकिन मसाले तेल मसाला कम रखती है तो खा लेती है। दोस्तों अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो कैसी लगी और कहां से आप हमारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। सब प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो गाइज आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी एडिटिंग अभी प्रोसेसिंग में है, देखना ना भूलें।